हेलो वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं और वो काम होता नहीं है। तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही दिक्कत हुई है। कोई बात नहीं है, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आप सभी लोग साथ में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी दिक्कत ना हो इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा, और जो भी इसके लिए है वो सब मैं इकट्ठा करूंगा और फिर उसके बाद लाइव क्लास होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे तो लाइव क्लास में तो हो नहीं सका, तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना है। कैसे ओपन होगा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाइएगा और यहाँ पर टाइप करिएगा एक्सेस। यहाँ पर अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो नीचे स्टार्ट बटन आता होगा यहाँ कोने में, और वहां से आप जा करके क्लिक करिएगा और एक्सेस टाइप करिएगा। अगर आपके में एक्सेस होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्सा है और उसी में आपको इंक्लूड मिल जाता है। और यहाँ से आप ब्लैंक डेटाबेस पे चले जाइएगा। जैसे ही जाएंगे तो ये क्रिएट आएगा, क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप टेबल वन दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ये नेम आ जाता है टेबल वन। एक्सेस एक्सेल से अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और अगर आपने डेटाबेस सीख लिया तो आगे के पढ़ाई के लिए भी काफी आराम रहेगा। कभी कभी तो बीटेक एम्प्लॉयज के भी कमेंट्स आ जाते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि एसक्यूएल वगैरह कैसे यूज करना है, तो उनको भी बताता हूँ। तो अभी हमें व्यू पे जाना है, ये जो व्यू है इस पे जाना है, ठीक है। अब पहली जो टेबल हमको बनानी है वो कौन सी बनानी है। देखिए, एक तो रिक्वेस्ट ये थी कि टेबल कैसे बनानी है, तो यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये देखिए टेबल वन आ रहा है, तो टेबल वन आप नाम नहीं रखना चाहते तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एस टेबल, ठीक है, एस टेबल कर देता हूँ, ठीक है, सन टेबल। तो ये एस टेबल कर दिया हमने और यहां पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का क्या अर्थ होता है, प्राइमरी की का अर्थ होता है कि आप कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, ये फील्ड नेम है, यहाँ पर नाम क्या देना चाहते हैं, टाइटल क्या देना चाहते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। और बाकी डेटा टाइप क्या होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये डेटा टाइप है, ठीक है, ये डेटा टाइप है। बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी यहां पर मैं क्या करता हूँ, यहां पे दे देता हूं लाइक एस आई डी, ठीक है, ये एस आई डी कर देता हूं। और यहां पर आते हैं तो यहां पर कर देता हूं मैं शॉर्ट टेक्स्ट इसके, ठीक है। और शॉर्ट टेक्स्ट करने के बाद यहां पर नेम कर देंगे, एन ए एम ई नेम कर दिया, ओके। और नेम करने के बाद यहां पर आएंगे तो इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे, बस यू पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इस तरीके से आ जाएगा। अब एस आई डी में क्या करता हूँ, S01 कर देता हूँ, ये S01 कर दिया हमने। और यहाँ पर कैपिटल में लिख देते हैं S01, थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये कैपिटल में S01 कर देता हूँ, ये हो गया। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नाम है राम, फिर यहाँ पे आए दूसरे स्टूडेंट का नाम है S02, इनका आईडी है और नाम है श्याम, तो ये दो नाम लिख दिए हमने, ठीक है। अब क्या हम S02 को रिपीट कर सकते हैं, S01 को कर सकते हैं, किसी को भी नहीं कर सकते क्योंकि इसे प्राइमरी की बनाया गया था। अभी तो रिपीट हो रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक अलग नाम टाइप करता हूँ, ईसा टाइप कर देता हूँ, ये टाइप कर दिया ईसा। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगा। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स। तो बस आपको यहाँ से ओके करिए, इसको हटाइए। जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ S03 लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका, इसको आप सेव भी कर पाएंगे और सारा काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई टेबल, इसी को तो टेबल कहते हैं। डबल क्लिक करिए, अब इसमें आगे बढ़ाते जाइए। अगर आप फील्ड और बढ़ाना चाहते हैं, फील्ड को और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाइए डिजाइन व्यू पे लीजिए इसको और यहाँ से फील्ड को और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्लास, ठीक है, ये क्लास टाइप कर दिया। अब यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देता हूँ और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, एक और फील्ड बढ़ गई। अब यहाँ पे एक और फील्ड बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्लास एंटर करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 11, ठीक है, ये 11 हो गया। और यहाँ पर आने के बाद 12 कर देते हैं इस तरीके से, ये क्लास 12 हो गया, यहाँ पे क्लास 11 हो गया, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये कुछ नाम हमने दे दिए हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ फादर्स की, वही चीजें सिखा रहा हूँ जो वीडियो में मैंने सिखाने की कोशिश की थी, ठीक है, जो नहीं हो पाया था शायद ग्राफिक्स कार्ड नहीं होने की वजह से हो रहा हो, ठीक है। तो मुझे तो लगता है शायद इसमें इंक्लूड ग्राफिक्स कार्ड है, जहां तक मुझे अंदाजा है, लेनोवो का सिस्टम है मेरा और i5 कोर प्रोसेसर है, तो इसमें तो होना चाहिए लेकिन शायद नहीं है, इसी की वजह से दिक्कत हो रही थी। आपको लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान स्क्रीन सही से शो नहीं हो रही थी,
इसके अलावा फिर सॉरी बोलता हूं, यहां पर आते हैं एफ टेबल बना लेते हैं यानी फादर्स की टेबल, तो ये हो गया फादर टेबल। यहां पर आए, यहां पे फादर्स आईडी कर देते हैं, फादर्स आईडी एफ आईडी, फादर्स आईडी एफ आईडी लिख देते हैं, ठीक है एफ आईडी। अब ये फादर्स आईडी हो गई, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया, फादर्स नेम कर देंगे तो एफ ए टी एच ई आर फादर्स और ये नेम, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर के मुझे कहा गया था वीडियो बनाने के लिए, तो ये लीजिए वीडियो बन रही है रिलेशनशिप की, ठीक है। अब ये हो गया, और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पे फादर्स आईडी कर देते हैं F01, ठीक है, और यहाँ पे फादर्स नेम कर देते हैं रामचंद्र, ये कर दिया रामचंद्र, ये फादर्स नेम हो गया। यहाँ पर आते हैं F02 करते हैं, और यहाँ पे करते हैं रमेश, ठीक है, ये फादर्स नेम यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से F03 कर सकते हैं, F04 कर सकते हैं, F5 कर सकते हैं, आगे भी बढ़ते जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हितेश, ठीक है, ये लिख दिया। तो कुछ नाम हमने एंटर करवा दिए फादर्स नेम के जगह पर जो एंटर करवाने थे हमें, तो ये दो टेबल हमारी बन गई है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप जब भी क्रिएट होगी तो दो कॉमन फील्ड होने चाहिए। तो अभी इसमें देखिए एस आई डी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, क्लास दिख रहा है, ठीक है। इसका रिलेशनशिप इससे अगर हमें कराना है तो यहाँ पे एस आई डी भी तो होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे देते हैं एस आई डी, ठीक है, और सेम वही चीज डालेंगे जो वहां पे डेटा एंटर करवाया था, सेम वही चीज। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और डेटा भी वही आपको एंटर करना है, ठीक है। तो S01 कर दीजिए, ओके, फिर यहाँ पर आइए S02 कर दीजिए। एक्सेल से बहुत अलग है, ठीक है, एकदम एक्सेल के जैसे, बिल्कुल भी इसको कंसिडर मत कीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में हमेशा रहेंगे, ठीक है। S03 कर दीजिए, S03 करने के बाद आगे भी आप डेटा दे सकते हैं, फिलहाल इतना ही रखता हूँ, हमें इतने की जरूरत है। तो ये कर दिया, इसको क्लोज कर दीजिए, सेव करके और फटाफट से क्लोज कीजिए, सब खत्म हो, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्रिएट पे, फिर एक और टेबल बनाते हैं, तो एक और टेबल बना लेते हैं। ये जो है मदर्स की टेबल होगी, तो एम ओ टी एच ई आर एपोस्ट्रॉफी लगा के एस मदर्स टी कर दीजिए, मदर्स टेबल हो जाएगी, तो ये मदर्स टेबल हो गया। अब एम आई डी कर देते हैं, मदर्स आई डी, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे मदर्स नेम कर देते हैं एम ओ टी एच ई आर एपोस्ट्रॉफी एस नेम, ठीक है। तो ये हो गया मदर्स नेम, तो ये तीन टेबल बन गई ना, देखिए ना तीन टेबल बन गई। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, हो गया काम, हो तो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे तीनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये एक अलग वे है। अब यहाँ पे M01 कर देते हैं, M01 मदर्स आई डी, मदर्स नेम कर देते हैं सीता देवी, सीता देवी इस तरीके से लिख दिया हमने। यहाँ पे आते हैं M02 करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं राधा देवी। ये कुछ ऐसे तरीके से आप देते चले जाएंगे जो भी नाम होगा, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप को लेकर के पूछा गया था कि वीडियो बनाइए आप, चलिए बना ही रहा हूँ, अब आपको सही सही दिखाई पड़ेगा, जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मीरा देवी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नाम दे देना है, और यहाँ से इसको सेव भी कर लेना है, तो ये सेव कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। अब जब हम देखेंगे तो ये जो लास्ट वाली टेबल हमने बनाई है मदर्स टेबल, तो इसमें जो है कोई फील्ड कॉमन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो एक दो फील्ड आप चाहे तो इसमें कॉमन दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आसान रहेगा काम करना, ठीक है। तो आप चाहे तो फादर्स टेबल, या फिर इसको ऐसे छोड़ा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली जो टेबल बनाएंगे वो डॉटर्स की टेबल होगी, तो DAUGSTER डॉटर्स टी बनाएंगे अगली टेबल। ये तो बनाने वाली है, इसको तो सेव करके और बंद कर दिया जाए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये तो मदर्स टेबल हो गया, ठीक है। अब अगली टेबल डॉटर्स टेबल बना लेंगे। अब इसमें कैसे कैसे दिक्कत कहाँ आएगी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे DAUGSTER डॉटर्स टी कर देते हैं डॉटर्स टेबल, तो ये डॉटर्स टेबल हो गया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा आईडी, तो यहाँ पर कर देते हैं डॉटर्स आईडी DAUGSTER डॉटर्स आईडी, ये कर दिया डॉटर्स आईडी, और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं मदर्स आईडी MOTHER मदर्स आईडी, तो ये मदर्स आईडी भी हो गया, ठीक है। अगर आप फादर्स आईडी देना चाहें तो फादर्स आईडी भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल हम यहाँ पे डॉटर्स नेम देने वाले हैं, तो DAUGSTER डॉटर्स नेम, तो ये इस तरीके से आप दे सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें दो फील्ड अब आपका हो गया, ठीक है, एक मदर्स आईडी हो गया और एक डॉटर्स वाला हो गया, ठीक है। तो ये दो फील्ड हो गया, अब यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉटर्स आईडी की बात करें तो D01 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देते हैं मदर्स आईडी, ठीक है। तो मदर्स आईडी में M01 होगा, M01, ठीक है, और डॉटर्स नेम
यहाँ पे कर देते हैं लाइक रिया, यहाँ कर देते हैं T02 M02, यहाँ लिख देता हूँ CR और यहाँ B03, यहाँ लिख देते हैं जी हाँ, ठीक है। तो ये तीन नाम मैंने लिख दिए हैं और अब इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ से सेव करेंगे, ये सेव कर लिया हमने और इसको भी सेव करके इसे क्लोज कर देना है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल वे में चारों को यहाँ पे उठाना है। तो ये डेटाबेस टूल्स पे आ जाइए, यहाँ पे आइए और लाइन से सारे टेबल्स लेते चलिए, पहला है ये वाला, फिर यहाँ पे दूसरा ये वाला है, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ ऐड करवाते चलिए, फिर यहाँ पे आइए तीसरे पे, इस पर क्लिक करिए ऐड करवाते चलिए, फिर यहाँ चौथे पे आइए, इस पर क्लिक करिए और ऐड करवाते चलिए, बस ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे देखेंगे SID कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसमें SID नहीं है, लेकिन इसमें SID है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको इधर लेके आइए पहले, ठीक है, ये आ गया लेके इधर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये SID है यहाँ पे और इसमें दिया, तो इस SID को चाहे तो आप इसमें लेके आ सकते हैं, ठीक है, इसको उठाइए और यहाँ लेके आ जाइए। तो ये SID का रिलेशनशिप SID से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वन टू मेनी रिलेशनशिप देखिए क्रिएट हो गया, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है, इसके लिए बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है हमको कोई भी फील्ड, जैसे कि ये फादर्स आईडी है, तो फादर्स आईडी हमको कहीं भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस रिलेशनशिप को हटा देंगे, यहाँ से हटा दीजिए, ये रिलेशनशिप जो बना है इसको हटा दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप जब तक रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, तब यहाँ मदर्स आईडी में आके फादर्स आईडी डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन फील्ड डालनी होगी हमको, तो FATHER फादर्स आईडी, ठीक है, फादर्स आईडी, और यहाँ पे फादर्स आईडी में शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये फादर्स आईडी, ठीक है। फादर्स आईडी जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आएंगे F01 दे देंगे, ठीक है, F01 दे दिया, फिर यहाँ पर आएंगे तो F02 दे देंगे, F02, ओके, फिर यहाँ पे आएंगे तो F03 दे देंगे, इसी तरीके से करते हुए चलेंगे, ठीक है। टेबल तो बन ही गया, रिलेशनशिप भी आपने क्रिएट करा दिया, अब एक चीज और बचा हुआ है, रिलेशनशिप पहले बढ़िया से क्रिएट करा दिया जाए, ये हो गया ना, यहाँ देखिए फादर्स आईडी आ गया है। तो अभी क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप तो बिल्ड हो ही गया था पहले, क्योंकि फादर्स आईडी में कॉमन नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से तो ये उठाइए और इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया इस तरीके से, इन तीनों को कनेक्ट कराइए एक साथ, ये हो गया। अब देखिए ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, ये देखिए द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक द टेबल मदर्स टेबल बिकॉज ऑलरेडी यूज इन अदर। अब देखिए यहाँ पर जब आएंगे, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये मदर्स टेबल ओपन है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा है, तो इसीलिए ये जो है ये दिक्कत कर रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ से इसको सेव करके क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे तब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्लोज कर देंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। तब इसका रिलेशनशिप हम कैसे क्रिएट कराएंगे, ये तो हमने कर दिया है, तो यहाँ पर फादर्स आईडी उठाइए और ये फादर्स आईडी से इसको लिंक करा दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिंक करा दीजिए, ये हो गया, ये तो क्लिक कर, आप देखिए ये लिंक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया। अब ये देखिए ये मदर्स आईडी है और ये डॉटर्स आईडी है, तो मदर्स आईडी को यहाँ से इस तरीके से लिंक करा दीजिए, ठीक है, ये लिंक करा दिया हमने, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से लिंक हो गया, रिलेशनशिप हमने क्रिएट कराया है। तो आप सिंपली एस टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन मिलेगा, एस आईडी वाले पे यहाँ पे प्लस का साइन है ना, अब यहाँ पे इनका नेम क्या है, ये है, क्लास कौन सा, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनके फादर का नाम क्या है वो दिखाई पड़ेगा, फिर यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो इनकी मदर का क्या नाम है वो दिखाई पड़ेगा, और इनकी डॉटर्स का मतलब कि इनकी डॉटर का, ठीक है, इनके पिता है रामचंद्र, इनके डॉटर का आईडी जो है वो क्या है वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कर लेते हैं कि कैसे हम जो है इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करना है या डिवाइड करना है, एक ही टेबल में कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ क्रिएट पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं और यहाँ से आ जाते हैं, और यहाँ पे टेबल वन ही नाम रख देता हूँ और ये आईडी है, प्राइमरी की छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर वन, ठीक है, नंबर वन लिख दिया, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, ये लिख देता हूँ नंबर टू, तो ये हो गया नंबर टू, और यहाँ पर आएंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट आएगा, तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देंगे, नहीं इसको नंबर बनाना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है ना, तो इसको नंबर बनाना जरूरी है। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, यानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक फील्ड डाल रहा हूँ ऐड। तो यहाँ पे नंबर ना करके आप क्या करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज करना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, कैलकुलेटेड, यहाँ से आप कैलकुलेटेड ही लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे, नंबर वन प्लस नंबर टू करेंगे, इस तरीके से आपको करना है, नंबर वन
ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे आएंगे नंबर टू, ठीक है। तो ये नंबर टू कर दिया, बस इतना ही करना है आपको, ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ से ओके कर दीजिए, ये हो गया पहला, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो ये एस यू बी लिखा हमने, और यहाँ पर आते हैं कैलकुलेटेड डेटा एक का यूज करते हैं फिर से, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर वन माइनस ब्रैकेट में नंबर टू। तो इस तरीके से आपको भी कर देना है सिंपल वे में, तो ये नंबर वन माइनस नंबर टू कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब मल्ट करते हैं एमयूएल मल्टीप्लाई के लिए, और यहाँ पर क्या करता हूँ कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करता हूँ, तो ये कैलकुलेटेड लगाया हमने, और यहाँ पर लगाते हैं हम नंबर वन इंटू नंबर टू। तो देखिए एक ही टेबल में हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। नंबर टू करना है हमें नंबर टू, ठीक है। तो ये इंटू का साइन लगा दिया है, और ये कई टेबल में बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। अब यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ, डिवाइड क्यों छोड़ना है तो डिव लिखता हूँ, और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करेंगे हम, तो ये कैलकुलेटेड ले लिया हमने। यहाँ पर जाएंगे तो नंबर वन, ये देखिए कुछ इस तरीके से नंबर वन अपॉन नंबर टू, तो यहाँ पे लिख देंगे एन यू एम बी ई आर नंबर टू, ये हो गया। बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, यहाँ ओके कर देंगे, और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप इनका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर वन लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 53 कर देता हूँ यहाँ पे, और 53 में 2 को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो 2 को ऐड करेंगे 53 में तो 55 होगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 51 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 होगा, और डिवाइड करेंगे तो 26.5 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइक 88 लेते हैं, 88 को 2 ऐड करेंगे, 88 में 2 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और अगर 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 86 होगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 176 हो जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 44 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। लाइव क्लास सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन आगे सक्सेसफुल हो ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो से आपका काम चल जाना चाहिए, और भी जो सवाल है वो कमेंट वमेंट में पूछते रहिएगा, बताता रहूंगा, कोशिश तो करता ही हूँ बताने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।